साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और साथियों, जैसा कि फेसबुक मैसेज के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था कि कुछ समय के बाद मैं लाइव आने वाला हूं किसी विशेष मुद्दे पर, तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें साथियों, ताकि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जितने भी साथी मेरे फेसबुक लाइव वीडियो को देख रहे हैं, वो साथी कमेंट में जय भीम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितने लोग मेरी वीडियो से जुड़े हैं। और साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। रामेश्वर जी जय भीम, मंजीत अंबेडकर जी जय भीम, गौतम मेनवाल जी जय भीम। अब मैं अपनी बात रखना चाहूँगा आप लोगों के बीच में, समझ साथी साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे साथियों। सबसे पहले जो मेरा पहला मैसेज है, कल 30 तारीख में भीम आर्मी भारत एकता मिशन हरिद्वार की टीम द्वारा एक कैडर कैंप की व्यवस्था की गई है, और वो कैडर कैंप ढंडेरा के अंदर रखा हुआ था, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव इस प्रकार से है कि जो कैडर कैंप ढंडेरा के अंदर भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला हरिद्वार की टीम द्वारा संपन्न किया जाना था, वो कैडर कैंप अब ढंडेरा में ना होकर वो कैडर कैंप कनखल के अंदर, ज्वालापुर कनखल के अंदर वाल्मीकि सभागार में संपन्न होगा, जिस कैडर कैंप का आयोजन हमारे जिला प्रभारी सचिन भाई, विशाल भाई, आशु भाई और उनकी टीम बड़ी जिम्मेदारी के साथ करेंगी। वो कैडर कैंप कल समय 11 बजे जिला हरिद्वार ज्वालापुर कनखल वाल्मीकि सभागार में रखा जाएगा। और साथियों, एक मुख्य सूचना यह है कि कैडर कैंप होने के बाद आप लोगों तक मैसेज भी पहुंचा दिया जाएगा। और मैं थोड़ा मैसेज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर आर्टिकल 15 रिलीज हुई और चली भी, कुछ जगह उसे बैन करने के लिए विरोध हुआ, प्रदर्शन किए गए, लेकिन हरिद्वार के अंदर आर्टिकल 15 को बंद कराने के लिए कुछ चंद लोगों ने यहाँ की सरकार का हवाला देते हुए, जिस हॉल में ये पिक्चरें चल रही थी वहाँ दबाव बनाया और प्रशासन द्वारा जबरन वो पिक्चरें बंद कराई गई। तो आर्टिकल 15 जो पेंटागन छिड़कुल में लगी थी वहाँ पर भी बंद कराई गई। तो हम समस्त साथी कल 11 बजे उपस्थित इकट्ठे होंगे वाल्मीकि सभागार कनखल में, और वहाँ पर कैडर कैंप का आयोजन है, उसमें अपनी बातें रखेंगे। लेकिन साथियों, कल संडे है, मंडे को हम सभी साथी भारी से भारी संख्या में अपनी जिम्मेदारी के साथ जिला हरिद्वार की समस्त टीम, जिला हरिद्वार के जिलाध्यक्ष प्रमोद महाजन जी उनकी समस्त टीम सोमवार को 11 बजे जो आर्टिकल 15 का विरोध यहाँ के कुछ तुच्छ मानसिकता के लोगों ने किया है, उस आर्टिकल 15 को पुनः चलवाने के लिए, पिक्चर हॉल में पुनः उस पिक्चर को चलवाने के लिए हम लोग भारी से भारी संख्या में सोमवार समय सुबह 11 बजे भारी से भारी संख्या में यहाँ के जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे, और जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि महोदय, जल्द से जल्द आर्टिकल 15 पिक्चर जब पूरे देश में चलाई गई है तो हरिद्वार जिले के अंदर भी आर्टिकल 15 चलनी चाहिए, और जिन हॉल में आर्टिकल 15 बंद कराई गई है उनमें तत्काल आर्टिकल 15 को अनुमति दी जाए, आर्टिकल 15 मूवी चलनी चाहिए। नहीं तो सोमवार को हम भारी संख्या में अवगत कराकर यहाँ के प्रशासन को, यहाँ ज्ञापन के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के शासन को अवगत कराने के बाद अगर फिर भी आर्टिकल 15 हरिद्वार जिले के अंदर नहीं चलती है तो इसके लिए आंदोलन के लिए तैयार रहें, और एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि जब पूरे
समस्त प्रदेशों में आर्टिकल 15 चल रही है, आर्टिकल 15 रिलीज हुई है, तो हरिद्वार के अंदर भी आर्टिकल 15 चलनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। कुछ लोगों ने हॉल में जाकर जो अपनी दबंगई दिखाने का कार्य किया है, हमारे कम जनसंख्या में लोग वहाँ पिक्चर देखने के लिए पहुँचे, लेकिन उन लोगों ने वहाँ अपनी दबंगई दिखाने का काम किया और पिक्चर को बंद करवाने का काम किया। सोमवार के बाद पहले शांतिपूर्ण व्यवस्था से, कानून को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए सबसे पहले शांतिपूर्ण व्यवस्था से, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ के शासन को, यहाँ के प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा देंगे कि महोदय ये पिक्चर जिन लोगों ने बंद कराने का काम किया है उन लोगों पर कार्रवाई हो और इस पिक्चर को तत्काल यहाँ के हॉल में चलाई जाए। अगर ये पिक्चर नहीं चलाई जाती है फिर हम लोग किसी भी प्रकार के आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। फिर हम देखेंगे, चैलेंज करते हैं उन लोगों को भी जो वहाँ जाकर, चंद लोग जो वहाँ जाकर पिक्चर बंद कराने का काम करते हैं, कि सोमवार को ज्ञापन देने के बाद भी अगर ये पिक्चर नहीं चलाई गई तो फिर हम उसी हॉल पर पहुँचेंगे जहाँ पर पिक्चर बंद कराई गई थी और तुम में जितनी ताकत होगी आकर देख लेना और पिक्चर बंद करवा कर देख लेना, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। जय भीम, जय भीम आर्मी।